नमस्कार सर, स्वागत है आपका SJR में। और आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के कट ऑफ के बारे में। तो अभी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैंने एक एक पैरामीटर, एक एक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया है जो कट ऑफ के आपको बढ़ाएंगे या कम करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद एनालिसिस करिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो का लाइक करिएगा या डिसलाइक करिएगा, ठीक है? तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम उस मतलब फैक्टर्स की बात करेंगे जो आपके कट ऑफ में बहुत मायने रखते हैं। तो सही है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी कई वीडियोस मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि इस बार फैक्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था 2013-14 में, तो उस टाइम पे एग्ज़ाम का कोई फिक्स पैटर्न नहीं था। उस टाइम पे अधिकतर क्या था, पेपर में कुछ कितने भी GS के क्वेश्चन आते थे, मैथ्स और रीजनिंग का कोई फिक्स पैटर्न नहीं था। इस बार इन्होंने फिक्स पैटर्न दिया था और जिसमें रीजनिंग और मैथ्स का वेटेज, मतलब आधा वेटेज दे दिया था, आधे ज़्यादा, लगभग 55 नंबर का, मतलब आपका वेटेज जो था वो रीजनिंग और मैथ का था। लेकिन पहले जब था लगभग 20-30% केवल वेटेज था। तो जो बच्चे केवल रीजनिंग और मैथ्स में अच्छे थे, तो इस बार उनके लिए अच्छा खासा मिल जाएगा, मतलब अच्छा खासा वो स्कोर कर सकते हैं। लेकिन पहले नहीं था, पहले GS में क्या था, इतने करंट अफेयर्स नहीं पूछे थे। इस बार करंट अफेयर्स का भी आपका वेटेज जो है बहुत अच्छा बढ़ा दिया है, और जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से बहुत ही डायनेमिक आ रहे हैं, मतलब पूरा स्टैटिक पे इन्होंने जोड़ नहीं दिया है। साइंस का पोर्शन इस बार भी है ठीक ठाक, लेकिन पहले वेटेज और ज़्यादा था। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है एग्ज़ाम का जो आपका पैटर्न है और सिलेबस है, ठीक है? पहले आपको कुछ नहीं पता था, इस बार आपको पूरा फिक्स पैटर्न पता था। तो ये सबसे पहला पैरामीटर है। दूसरा है, पिछली बार ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए थे, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम में कई आपके देखिए चेंजेस हो जाते हैं। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम में आपको टाइम भी लग जाता है आपको सर्किल करने में। इस बार इन्होंने फिर भी 90 मिनट्स दिया है आपको, और CBT एग्ज़ाम है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो जिन बच्चों को हो सकता है, बहुत बच्चे जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि बहुत बच्चों को मॉक टेस्ट देने की आदत नहीं है, जो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया होगा, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कंप्यूटर से, ठीक है? तो जिन्होंने अगर प्रैक्टिस कर ली हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपका ये चेंजेस था। थर्ड जो फैक्टर है वो है कि इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये समझ लीजिए, नॉर्मलाइजेशन जब भी लगती है तो ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही। अगर देखिए, शिफ्ट आपकी, अगर नॉर्मलाइजेशन जब भी होता है तो ये समझ लीजिए, अगर आपका टफ शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अगर आपका ईजी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो अब ये समझ लीजिए आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं, ठीक है? तो नॉर्मलाइजेशन होगा, पहले नॉर्मलाइजेशन कोई होता नहीं था, ठीक? तो और थर्ड बात करें कि कंपटीशन, अरे हाँ, इस बार ये कि पहले देखिए हर एक जोन में अलग अलग पेपर होता था, इस बार एक ही पेपर हो रहा है। तो एक ही, अब देखिए डेट अलग अलग वाइज है, तो पेपर थोड़ा सा वेरी कर सकता है कि किसी दिन पेपर टफ आया, किसी दिन पेपर थोड़ा सा हल्का आया है, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन आपका लगेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देखिए, 2013-14 के बाद, अगर 2017-18 की बात करें तो बहुत बहुत फ़र्क आ गया है। आप 2013 और 14 के टाइम के किसी भी एग्ज़ाम की अगर कट ऑफ देख लें, और जो आज के एग्ज़ाम्स किसी भी मतलब सेक्टर में, आप SSC में ले लें, बैंक में ले लें, या UP स्टेट पुलिस में ले लें, या किसी दूसरे एग्ज़ाम में, हर एक स्टेट में जो एग्ज़ाम होते हैं, हर एक एग्ज़ाम के देखिए कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। जॉब्स लोगों को, सबको गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स के प्रति जो लोगों का लगाव है वो बढ़ रहा है और वो बढ़ता जाएगा, इसलिए कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। थर्ड, अगर उसके अगला बात किया जाए तो कि इस बार जो वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा वैकेंसी दे रखी है, और वैकेंसी जब ज़्यादा होती है तो लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा आता है। इसलिए आपने नोट भी किया होगा कि इस बार फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए हैं, लगभग 2 करोड़ करीब फॉर्म भरे गए थे ग्रुप डी के। तो ये समझ सकते हैं, जब जॉब्स के प्रति अट्रैक्शन होता है तो जो बड़े कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो भी ग्रुप डी तक का फॉर्म भर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में कोई रह जा रहा है तो वो भी, उसको भी लगता है कि ग्रुप डी में हो जाएगा मेरा, तो इसलिए अट्रैक्शन हो जाता है वैकेंसीज़ को देख के। बहुत बार आपने खुद देखा होगा कि जब बहुत कम वैकेंसीज होती है तो आपने बहुत से फॉर्म नहीं भरेंगे, केवल वैकेंसीज कम है, कितने वैकेंसीज है। जब वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं तो हर एक इंसान के मतलब उसके में माइंड में आता है कि इसमें हो सकता है मेरा, तो एक ये फैक्टर है। स्टूडेंट्स ऑफ अदर एग्ज़ाम्स, जैसे समझिए कि अभी क्या है,
एसएससी का एग्ज़ाम 2017 के जितने भी थे सारे डिले हो गए, सब पे रोक लग गई। तो जो उधर का पूरा एक जो बच्चों का हुजूम है वो सब रेलवे पे आएगा, ठीक है। स्टेट पुलिस में इसे, अभी मैं यूपी की बात करूँ क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो इसमें बता सकता हूँ, ये यूपी में भी स्टेट पुलिस में भी अभी मतलब चल रहा है केस। तो कई ऐसी भर्तियाँ जब पूरी नहीं हो पाती तो बच्चों को लगता है कि कोई ना कोई एग्ज़ाम आएगा उसको तो भरे। तो इसलिए बहुत से जो दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बच्चे इस एग्ज़ाम पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है। और लास्ट फैक्टर है देखिए यूट्यूब। अब ये समझ लीजिए यूट्यूब पे कई ऐसे चैनल हैं जो डेली क्लासेस चला रहे हैं आपको पर डे, वो हर एक मतलब घंटे पे कोई ना कोई क्लास चला रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल हैं और बहुत से मटेरियल मिल गया। अगर किसी भी एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है, कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप गाँव में भी हैं तो आपको यूट्यूब पर अच्छा खासा मटेरियल मिल जाएगा। और जहाँ तक नेट की बात है, तो जब से जियो आया है तब से हर एक कंपनी ने अपने नेट्स के दाम जो है वो बहुत कम कर दी हैं, और किसी भी कंपनी का अगर आप यूज़ करते हो तो आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा नेट। तो ये समझ सकते हैं कि आपको इतना आसान हो गया है, आप YouTube से इतना कनेक्ट हो गया, आपको जितने भी इंटरनेट पर प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं एजुकेशन के वो सब बहुत इजीली प्रोवाइड हो जा रहा है, और ये आपको ही नहीं सभी बच्चों को प्रोवाइड हो जा रहा है। तो इसलिए एजुकेशन का लेवल अब बहुत बढ़ गया है, ठीक है। अब ये तो सारे फैक्टर्स हुए, अगर आप फैक्टर से मेरे सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मतलब वन बाय वन सभी। पहले तो वैकेंसीज आप देख लीजिए कि वैकेंसीज इस बार कितनी है, और वैकेंसीज देखने के बाद हम आपको सीधे कट ऑफ बताएंगे कि किसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, कहाँ पर कम जाएगी। तो देखिए ये एक वैकेंसीज है, अगर आपको वैकेंसीज अपने जिस जोन पर आपको चाहिए आप वो देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने देख लिया होगा वैकेंसीज। अब हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो पांच जोन जहां पे सबसे कम कट ऑफ जाएगी वो कौन से जोन होंगे और उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले जो है फाइव लोवेस्ट जोन है, तो पहला है बिलासपुर। बिलासपुर में 1,159 वैकेंसीज हैं टोटल। तो इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी जो कट ऑफ जा सकती है वो 50 to 55 जा सकती है। अच्छा ये जो कट ऑफ है वो बहुत बेस्ड है वो 2013-14 की कट ऑफ पे, क्योंकि 2013-14 में यही ट्रेंड चला था, अधिकतर इन सब मतलब जोन्स में कट ऑफ कम गई थी। और अभी भी देखिए जैसे वैकेंसीज, देखो वैकेंसीज जहाँ ज़्यादा है ना तो आप ये समझिए वहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो वैकेंसी जहाँ ज़्यादा है तो वहाँ पर कट ऑफ जरूरी ऐसा नहीं कि ज़्यादा है कट ऑफ कम जाएगी, फॉर्म भी बहुत भरे गए हैं, ठीक। तो देखिए बिलासपुर का पिछली बार कम गया था, इस बार भी आपका देखिए अप्रॉक्स 50 to 55 कट ऑफ जा सकती है अनरिजर्व की। ओबीसी की 48 to 52, एससी की 45 to 48 जा सकती है, एसटी कैटेगरी की 40 to 45 जा सकती है, ठीक। गुवाहाटी की बात करूँ, गुवाहाटी में 2577 वैकेंसीज हैं और अनरिजर्व की इसमें भी 50 to 55 जा सकती है, मतलब कि अब कोई भी जा सकती है, 52 जा सकती है, 53, 54, 55 तक कुछ भी जा सकती है, ठीक है। ओबीसी की 48 to 52 है, और एससी की बात करूँ तो 45 to 47, और एसटी की बात करूँ तो 40 to 43। भुवनेश्वर की बात करूँ तो 1532, तो इसमें अनरिजर्व की 52 to 57 और ओबीसी की 50 to 52 और एससी की 48 to 50 और एसटी की भी 48 to 50। जैसा क्या है कि एसटी की जो पॉपुलेशन है कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है, तो भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा जो है स्टेट है उसमें से एक है, उड़ीसा हुआ, असम भी, वैसे गुवाहाटी भी उसी स्टेट्स में आते हैं। तो कुछ आप जैसे आप खुद देख सकते हैं, आप जिस स्टेट में रहते हैं तो उस स्टेट की अगर पॉपुलेशन वाइज ज्योग्राफी मतलब ये देख सकते हैं किस स्टेट में कितने हैं, तो वहाँ पर बहुत डिपेंड करता है कि वहाँ से कितनी भरी गई है फॉर्म इस कैटेगरी वाइज पे, तो बहुत असर पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर जोन में, तो पिछली जोन पिछली बार बहुत से जोन में एसटी की कैटेगरी एससी से ज़्यादा गई थी, मतलब कट ऑफ जो थी, ठीक है। अब बात करते हैं भुवनेश्वर की, भुवनेश्वर की बात हो गई है। अब अजमेर है, अजमेर में ओबीसी की 1198 वैकेंसी है, टोटल 4755 वैकेंसीज हैं। जो जनरली कट ऑफ जाएगी वो 55 to 59 जा सकती है, ओबीसी की 53 to 56 और एससी की 50 to 53 और एसटी की 47 से 50 तक जा सकती है कट ऑफ। चेन्नई में 2979 वैकेंसीज हैं, 56 to 60 जा सकती है, ओबीसी की 53 to 57 जा सकती है, एससी की 50 to 54 और एसटी की 46 to 50 जा सकती है, ठीक है। तो ये टॉप फाइव जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ जाएंगी वो इन पांच आरआरबी में जा सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो आरआरबी जहां पे कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी, ठीक है। तो अब उनकी बात करते हैं, तो देखिए जो हाईएस्ट जो कट ऑफ जाएगी उसमें सबसे पहला है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में पिछली बार भी 80+ गई थी, तो आप समझ सकते हैं इस बार हमारी काफ़ी चेंजेस आई हैं। तो आप ये समझ लीजिए चंडीगढ़ में 7832 वैकेंसीज है, वैकेंसीज पिछली बार बहुत कम थी, इस बार वैकेंसीज बहुत बढ़ गई हैं, तो 7832 वैकेंसीज हैं
अनरिजर्व में 70+ कट ऑफ जा सकती है। अब 70+ में ये समझ लीजिए, अब वो 75 भी हो सकती है, 72 भी हो सकती है, 74 भी हो सकती है, लेकिन ये समझ लीजिए 72 आप 76 75 तक रेंज मान सकते हैं, इतनी कट ऑफ जा सकती है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की। ओबीसी की 65-68 जा सकती है, एससी की 56-58, एसटी की 50-52 और इलाहाबाद रीजन 44-762। देखिए जितने मेन इलाहाबाद है, गोरखपुर है, ये ऐसे रीजन है हिंदी भाषी बहुत ज़्यादा एरिया, और यहाँ पे पॉपुलेशन मतलब यूपी का एरिया है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आप डेंसिटी निकालेंगे बहुत, मतलब एक एक सीट्स पे बहुत वैकेंसीज आया, मतलब बहुत बच्चे हैं। चंडीगढ़ में देखिए सबसे ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है, वैकेंसीज़ को देख के बच्चों को लगता है वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं ज़रूरी नहीं कि चांसेस वहाँ ज़्यादा हैं। तो इलाहाबाद का आप समझ सकते हैं, इलाहाबाद का चंडीगढ़ के लगभग एक ही जाएगा, बस थोड़ा बहुत कम हो सकता है, एक दो नंबर, ठीक है। तो इलाहाबाद में भी 70+ कट ऑफ जाएगी जनरल की, और ओबीसी की 65-68, एससी की 55-58, एसटी की 50-52, ठीक। पटना की बात करें तो पटना में 5981 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व 65-70। और बिहार का देखिए ट्रेडिशन है, यहाँ पे आरआरबी के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब कंपटीशन है, यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। तो 65-70 अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ जो है, ओबीसी की 60-62 जा सकती है, एससी की 50-55, एसटी की 48-53, ठीक। अब गोरखपुर की बात करें, 3388 वैकेंसीज हैं अनरिजर्व की, 65-70 इधर भी जाएगी। ओबीसी की 60-65 जा सकती है, एससी की 55-60 जा सकती है, एसटी की 50-55 जा सकती है, ठीक। अब बात करते हैं कोलकाता की, कोलकाता की पिछली पिछली बार आरआरबी मतलब जो ग्रुप डी का था उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी, कोलकाता की मतलब वन ऑफ द बेस्ट जो हाईएस्ट कट ऑफ थी उसमें से कोलकाता भी था। तो 2367 वैकेंसीज है, वैकेंसीज और की तुलना में बहुत कम है, और अनरिजर्व कैटेगरी में 64-68 जा सकती है, 70 पहुंच सकती है कट ऑफ। ओबीसी में 60-64 है, एससी में 50-55, एसटी में 48-53 कट ऑफ जा सकती है। तो ये आपके पांच जो हाईएस्ट कट ऑफ है जिस रीजन के, वो ये हैं, ठीक। अब बात करते हैं जो बाकी जो छह रीजन बचे हैं जिसमें हमने बात नहीं करी, उनकी बात कर लेते हैं कि उसमें कट ऑफ कितनी जाएगी। तो भोपाल है, उसमें 3522 वैकेंसीज हैं, 56-60 जाएगी जनरल कैटेगरी कट ऑफ, 55-58 ये ओबीसी की है, 50-55 आपकी एससी की आ गई, 48-52 ये आपकी एसटी की आ गई। रांची में है 2525, 57-61 और ओबीसी की 55-58, एससी की 52-55 और 48-52। बेंगलोर में 2229 वैकेंसीज हैं, आपका जो कट ऑफ जाएगी जनरल की 58-62 और आपके ओबीसी की 56-59, एससी की 53-56 और एसटी की 50-54 आपकी जा सकती है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में 4625 वैकेंसीज हैं, 60-64 कट ऑफ जा सकती है, और मुंबई में देखिए ट्रेडिशन ये होता है, पिछली बार कट ऑफ बहुत मुंबई की भी बहुत ज़्यादा गई थी, तो इस बार ये चांसेस हैं कि थोड़े से इसमें भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर एक आप एवरेज लेके चले तो 60-64 आप मान के चल सकते हैं क्योंकि इतनी जा सकती है। और 59-62 ओबीसी की हो सकती है, एससी की 52-55-58 और एसटी की 55-58 एसटी की भी जा सकती है, क्योंकि पिछली बार मुंबई में एसटी की जो कट ऑफ गई थी वो एससी से ज़्यादा गई थी। तो इस बार आप ये समझ सकते हैं कि लगभग लगभग बराबर ही जाएगी, थोड़ा बहुत का अंतर हो सकता है मुंबई में। अब अहमदाबाद की बात करें, 6087 वैकेंसीज हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 62-67-66 वैकेंसी मतलब वहाँ पे जनरल कट ऑफ जाएगी, 62-63 ओबीसी की, 56-60 एससी की, 53-57 एसटी की। सिकंदराबाद की बात करें, 6523 वैकेंसीज हैं, 64-68 आपकी जनरल की, 60-64 आपकी ओबीसी की, 50-54 एससी और एसटी की, 48-53-52, ठीक है। तो देखो बात ये है कि आपको ये ध्यान समझना होगा कि केवल वैकेंसी से नहीं डिपेंड करता है कि वहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी, आप ये समझ लीजिए जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है रेलवे में ऐसा है कि वहाँ सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, ये रेलवे का ट्रेंड है, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर बच्चे उधर ही फॉर्म भरते हैं। तो बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि जैसे जैसे मैंने कट ऑफ बताया इतना आपके रहने का है। अब आप बताइए आपने अटेम्प्ट कितने करे थे, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि किस रीजन में कितना जा सकता है। अगर आपको कुछ लगता है किसी चीज़ से असहमत है तो आप मुझे बेशक बताइए, और मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा कि मैं अपने भी कुछ तथ्य रखूँगा, ठीक। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।